तो नमस्कार, दिल से सफ़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज है हमारा केदारनाथ सीरीज़ का डे 4, और डे 4 फाइनल डेस्टिनेशन वाला। आज हमें जाना है केदारनाथ महादेव से मिलने, और हेलीकॉप्टर है हमारा 9 बजे, 9 से 12 का स्लॉट है। और 2 दिन से मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, और आज देखिए 2023 में मैंने एक अटैम्प्ट मारा था हेलीकॉप्टर का, इससे भी ख़तरनाक मौसम था, उड़ा नहीं था, बट नेट पर दिखा रहा है कि मौसम खुल जाएगा। तो चलते हैं हेलीपैड पर, वहाँ 1 घंटा पहले ही पहुँचना होता है हम लोग, और आधा घंटा पहले निकल चुके हैं। दुकानें खुल चुकी हैं, एक्टिविटीज़ सारी शुरू हो गई हैं। 6 बजे वाले लोग कैसे उड़े होंगे पता नहीं, देख के चलते हैं क्या माहौल है हेलीपैड का। नहा धो के गाड़ी में रख दिया सारा सामान, लौट कर आएंगे समय से। तो गाड़ी में से सामान रखा हुआ ऑलरेडी, गाड़ी निकालेंगे और उड़न छू हो जाएंगे अपने घर के लिए, उनके अपने हेलीपैड पर। ये है हेलीकॉप्टर, हेलीपैड की स्थिति। लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि वेदर बिल्कुल नहीं खुला हुआ है, और वेदर जब तक नहीं खुलेगा ये लोग नहीं उड़ाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा वाला है, क्योंकि यहाँ 2022-2021 में कुछ मिस हैपनिंग्स हो गई थी। ये है ट्रांस भारत एविएशन। ये है कि 6 से 9 वालों को अभी उन्होंने नहीं उड़ाया है मौसम की वजह से। 9 से 12 वालों की रिपोर्टिंग होगी 8 बजे। हेलीपैड नीचे है, लोग शायद बैठ रहे हैं। ये मौसम पूरा, हाँ जी मेरा बता दीजिए भैया। यहाँ हमारा हुआ है मेडिकल, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ लिया गया है और रिपोर्टिंग हो चुकी है। तो रिपोर्टिंग हमारी हो चुकी है, अब हमारा होना है बॉडी वेट। बॉडी वेट के लिए हम जाते हैं, मेडिकल हमारा हो चुका है, यहाँ होगा हमारा बॉडी वेट, करवाते हैं। तो बॉडी वेट हमारा हो चुका है और लगेज का भी केस हो गया है, अभी हमको मिलेंगे बोर्डिंग पासेस। यस, और हेलीकॉप्टर भी हो चुका है रेडी, लेके एक फ्लाइट लेके जा चुका। मौसम धीरे धीरे खुलेगा, हम भी जाएंगे। तो हमारा नंबर आ चुका है भैया, इन्होंने हमको जल्दी भेज रहे हैं क्योंकि स्लॉट खाली हैं, लोगों के इतने कैंसिल हुए हैं। तो वाह, बड़ा मौसम वैसे वो बोर्डिंग पास बना दिया उसने। ईवीएस फोर्स से गए थे वो, मतलब जो काटा जा रहा था ना, वो नहीं खींचे जा रहा था ये वाला। तो फाइनली हम लोग केदारनाथ पहुंच गए हैं। 1 किलोमीटर का रास्ता इसको चलते हैं, प्लेन है और हेलीकॉप्टर आ रहे जा रहे हैं। आंटी अंकल जी हमारे साथ हैं, चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य और ज़बरदस्त मौसम। SDFC का ATM वगैरह है यहाँ पर, ये पूरा मार्केट है। और यहाँ से कितना अभी डिस्टेंस? अभी है थोड़ा, 700 मीटर होगा।
सांस फूल रही है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर, एल्टीट्यूड एकदम से आया ना हेलीकॉप्टर से, एकदम से राइज किया है, ट्रैक है तो धीरे धीरे चलेंगे, नज़ारों का एंजॉय करते हुए। ये देखिए यहाँ से अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो लाइन यहीं से लगना शुरू हो जाती है, बहुत लंबी हेलीपैड से लाइन लगना शुरू हो जाती है। हम पंडित जी के साथ हैं, पंडित जी हमारे दर्शन कराने ले जा रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे बिल्कुल गर्भगृह में जाकर। जबरदस्त दृश्य है, और ये भैरव घाटी के लिए जाता है ऊपर रास्ता, मंदिर की चोटी हमें दिखने लगी है, चलते हैं अंदर। यहाँ पर होंगे हमारे रजिस्ट्रेशन चेक, और VIP बैकडोर एंट्री से हमारी एंट्री हो रही है। एकदम से एल्टीट्यूड पे आए ना और चढ़ भी रहे हैं। हे भोले हे शिव, श्री केदारनाथ मार्ग। आज तक सिर्फ लोगों की वीडियोस में देखा था, बहुत ही भावुक दृश्य है भाई, बहुत ही भावुक दृश्य है। हे केदार, हे मेरे भोले, पहुंचा दिया। ये देखो मंदिर की चोटी दिख रही है। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे मेरे भोले, महादेव महादेव। ठंड हल्की हल्की सी अब लग रही है, जैकेट पहनता हूँ अभी निकाल कर, जैकेट वाली तो है। ये देखिए, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, भोले भोले शिवांशु जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, प्रसाद ले लिया है हमने यहाँ से, इसमें खाने वाला प्रसाद भी है, खाने वाला प्रसाद भी है लोगों को बांटने के लिए, थोड़ा उसमें है और ये ले जाते हैं। ठीक ठीक है, तो ये है मंदिर, कुछ नहीं नहीं अंदर की कौन। मन को खुश करने वाले दर्शन हुए हैं, बहुत ही तसल्ली बख्श, जल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, घी चढ़ाया, रुद्राक्ष चढ़ाया, और ये चुनरी चढ़ाई जो होगी हमें हमारे गले में आपको दिख रही है। भीड़ इतनी खास नहीं है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। नमस्ते नमस्ते। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भीमशिला, जो आपदा के टाइम पे ऊपर आके गिरी थी और इस मंदिर का बचाव किया था, और शंकराचार्य का मूर्ति भी है इसके अंदर, उसको चल के हम आपको दिखाते हैं। और हमको 1.5 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से वापस लौटना है। ये अद्रिम दृश्य, ये मेरी आंखों में इस जीवन के लिए बस चुका है, ये कभी नहीं जाने वाला मेरी आंखों से। लाइन बहुत लगी हुई है, पर हमने थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया क्योंकि हमारा हेलीपैड था, हेलीकॉप्टर में हमको वापस जाना था। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम आपको दिखाते हैं भीमशिला, ऊपर चलते हैं भीमशिला की ओर। अब हम चल रहे हैं भीमशिला की ओर। ये किसी चमत्कार और अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए भीमशिला, ये वही भीमशिला है जो 2013 में आपदा को इस मंदिर को बचाया था। यहाँ शंकराचार्य का मूर्ति को स्थापित किया गया था अभी थोड़े ही साल पहले, और यहाँ महामृत्युंजय मंत्र के भी जड़ा हुआ है। जय शंकराचार्य, जय शंकराचार्य। शंकराचार्य ने ही केदारनाथ की स्थापना की थी। जय शंकराचार्य। ये वो भीमशिला है जो आपकी सोच और इंसानी सोच से बहुत आगे है। जब ऊपर से क्लाउड बस्ट हुआ था 2013 में जून में, तब इसी भीमशिला ने इस मंदिर का बचाव किया था।
कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, घर के घर लेके चला जाए। लेकिन ये मंदिर से जस्ट पहले आके रुका, ये भी एक चमत्कार है। और ये भोले का रूप लेके बैठे हैं बाबा जी, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। यह है मंदिर का आगे का पोर्शन, जब हम ट्रैक करके आते हैं तो सबसे पहले इसी दृश्य के दर्शन होते हैं। इसी एक दृश्य को देखने के लिए लोग पागल हैं। जी हाँ, हर हर महादेव। दर्शन हो गए हैं बहुत बढ़िया वाले, चारों तरफ घूम लिया, भीमशिला देख ली, शंकराचार्य देख लिया, जो आज तक वीडियोस में देखते थे आज साक्षात देख के आ रहे हैं। भीड़ ना के बराबर है, किसी भी YouTube वीडियोस के भ्रम में ना आइए, आइए और दर्शन करिए प्रेम पूर्वक। बोलिए हर हर महादेव। ये ओम की प्रतिमा है, ओम का साइन है, जो यहाँ पर 2022 में या 23 में ही लगाया गया, ज़्यादा पुराना नहीं है। जय जय शिव। हेलीकॉप्टर एक के बाद एक आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। भरपूर भीड़ है हेलीपैड वालों की भी। भैया हेलीकॉप्टर की बहुत मारा मारी है यहाँ पर, वेट कर रहे हैं लोग ढाई ढाई घंटे से। जब उतरे थे तो बोला था एक घंटे में वापस आ जाएंगे, और अब दो दो ढाई ढाई घंटे से बैठे हुए हैं। देखो पीछे आ गया, ठीक है जी, देखते हैं कब तक वापस पहुंचते हैं। तो उसके बाद सीधा अपनी गाड़ी उठा के दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मौसम बिगड़ चुका है पूरा, धीरे धीरे ये पूरे बादल गायब हो गए। तो हम यहाँ से विदा ले रहे हैं केदारनाथ से। अब देखिए बादल, जब हम आए थे तो बिल्कुल क्लियर थे ये पहाड़, आप देखिए। बाबा दोबारा आऊंगा बाबा, पूरे परिवार के साथ आऊंगा। तो भैया कुछ ऐसे थे हमारे केदारनाथ के दर्शन हेलीकॉप्टर से, टाइम से चले गए थे, टाइम से आ गए। इस बार लग अच्छा था, हर हर महादेव। मौसम ने साथ दिया, हेलीकॉप्टर सर्विस ने साथ दिया, महादेव के दर्शन, अद्भुत दर्शन हुए, अद्भुत मतलब बहुत तसल्ली बख्श, स्पर्श किया। तो इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से पहली बार पहुँच, थोड़ी चढ़ाई करके आया हूँ हेलीपैड थोड़ा नीचे की तरफ से, इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आ रहे हैं। तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है जी। नारायण कोटी में 3 दिन से पड़े हुए थे, हम निकलते हैं यहाँ से, रवानगी लेने का टाइम आ गया है। अगली बार आएंगे सब परिवार, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, बाय बाय।